बता था मैंने आप लोगों को, ओके। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, कोरोमंडल। और उत्तरी सराकस, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कोंकण, कोंकण किसका? कोंकण महाराष्ट्र और काठियावाड़ गुजरात, मालाबार केरला। तटों पर बनने वाली झीलें क्या कहलाती हैं? लैगून का एक और नाम अनूप और एक और नाम कयाल। सबसे बड़ी लैगून चिल्का, सबसे लंबी लैगून वेम्बनाड। वल्लभ काली नौकायन प्रतियोगिता किस कयाल में होती है? पुन्नामदा कयाल। कौन सा कयाल, कौन सा लैगून यूपीएससी 2018 प्री का सवाल है, दो राज्यों के बॉर्डर पर है, पुलिकट। कौन कौन से थे? आंध्र और तमिलनाडु। ठीक है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे आज आए हैं, आज उनका फर्स्ट डे है। पैनिक मत होना, अभी दो ही लेक्चर मैंने दिए हैं इस पर, और जो दे दिए हैं वो सारे के सारे मोबाइल एप्लीकेशन पे पड़े हैं। जैसे आपको एक्सेस मिल जाएगा वो दो लेक्चर आप इजीली कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बॉर्डर शुरुआत की थी, और मैंने आपको बॉर्डर की शुरुआत की थी, अब पढ़ेंगे स्थलीय सीमा। एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो नए हैं उनके लिए हो जाएगा काम। एक तो कौन सी सीमा पर थी हमने, जलीय, कितनी थी ये? 6100 है ना, और आइलैंड को मिला लो तो 7516.6। और दूसरा बॉर्डर हमारा कौन सा था? ये बॉर्डर ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, जलीय के स्थलीय? ये स्थलीय बॉर्डर है भारत का, ये। और स्थलीय बॉर्डर में विभिन्न देश हम लोग के संग सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे उन देशों के नाम क्या क्या है, हमारे संग बॉर्डर शेयर करते हैं। नंबर कौन करता है? पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान, ये लिखा हुआ इधर पाकिस्तान कर रहा है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट करते हैं, कौन कौन से बॉर्डर हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से युद्ध हुए हमारे बीच। उससे ऊपर कौन सा दिखा आपको? अफगानिस्तान। वास्तव में वो हिस्सा हमारे पास तो है ही नहीं, लेकिन देशभक्ति ये बोलती है कि भैया ये हमारे पास है, लेकिन ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास, जिसको हम पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या आजाद कश्मीर बोलते हैं। ये हिस्सा ऊपर किससे लग रहा? अफगानिस्तान से। लेकिन भारत आज भी अपने नक्शे में दिखाता है कि हिस्सा हमारा है, जबकि हिस्सा हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, कह सकते हैं क्या मिल जाएगा है? क्योंकि 2019 में मोदी सरकार ने भारतीय मौसम विभाग को बोला है कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मौसम की भविष्यवाणी भारत ही करेगा। इस मामले को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो यानी कि पीओके वापस लेने की और हमारा कदम है एक। फिलहाल हम तो ये बोलेंगे भैया कि पाकिस्तान के बाद भारत को लगता है कौन? अफगानिस्तान। ओके, एक सवाल और पूछा जाता है कि वो कौन सा मध्य एशियाई देश है जो भारत के बहुत करीब होकर भारत के साथ नहीं लगता है। नाम लिखा हुआ है, देखो ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर क्या नाम है? तजाकिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये आदि देश हैं मध्य एशिया में, लेकिन तजाकिस्तान भारत के बहुत करीब होकर भारत से नहीं लग रहा है। वो किससे लग किससे जाता है? अफगानिस्तान से। फिलहाल भारत से लगने वाले देश नंबर वन कौन? पाकिस्तान। नंबर दो? नंबर तीन? चाइना। नंबर चार? नंबर पांच? भूटान। नंबर छह? और नंबर सात? बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, मैं इसको लिख देता हूं, भारत की कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा, या इसको हम नाम दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सही है, अरे इंटरनेशनल बॉर्डर तो होगा ये, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। कितने देश आ गए इसमें बोलो? सात देश, सेवन कंट्रीज। ओके, सात देश, और कुल दूरी कितनी है? 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत का कुल इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो 15,200 किलोमीटर है, और इस 15,200 किलोमीटर में कुल कितने देश बोलेंगे? सात, सेवन। इज इट क्लियर? नाम याद रख लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, हो जाएंगे याद? ऐसे याद करना ही नहीं हम लोग को। सवाल,
भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ बनती है? सभी जानते हैं, बार बार सवाल आ गया, बांग्लादेश सभी बोलेंगे। और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान। लेकिन सवाल अगर ऐसा आ गया, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? विकल्प है नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, तो आप क्या करेंगे? अरे सवाल बीच में से पूछ दिया ना, तो इसलिए हम इनका ऑर्डर कर लेते हैं। चलिए, सबसे लंबी बाउंड्री किससे बोला आप लोगों ने? बांग्लादेश। ओके, नंबर दो लगता है ड्रैगन, यानी कि चीन। ओके, और नंबर तीन कौन लगता है? पाकिस्तान। ओके, नंबर चार, वेरी गुड, चार पे कौन आएगा? नेपाल। नंबर पांच कौन आएगा? म्यांमार। नंबर छह कौन आएगा? भूटान। और नंबर सात अफगानिस्तान। नंबर छह आएगा कौन? म्यांमार। और नंबर सात आपका आ गया कौन सा? सॉरी, नंबर छह भूटान है ना, और ये आ गया आपका कौन सा? अफगानिस्तान। ओके, तो कुल स्थलीय सीमा कितने देशों से हो गई? सात, और सात को हमने ऑर्डर में भी लगा दिया। अब बताओ, पाकिस्तान नेपाल में से किसकी लंबी बाउंड्री है? पाकिस्तान। नेपाल में हमारे में किसकी लंबी बाउंड्री है? नेपाल की। कर लेंगे सवाल को, ठीक है। इतना ही नहीं, अभी एक इसमें एक काम और कर लेते हैं। चलो, बात आई किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश के संग भारत की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है। अब सवाल यह आता है कि बांग्लादेश के संग भारत के कौन कौन से राज्य या यूटी लगते हैं, या कितने लगते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के संग भारत की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, लेकिन बांग्ला से कितने स्टेट या यूटी लगते हैं, काउंट करने पड़ेंगे। नंबर वन वेस्ट बंगाल, ओके, दिख रहा है यहां पर। नंबर दो असम, लग रहा है। नंबर तीन मेघालय। नंबर चार त्रिपुरा। और नंबर पांच कितने हो गए? पांच। सवाल पूछ देगा कि बांग्लादेश से कितने स्टेट लगते हैं आपके, तो हम बोलेंगे पांच, ठीक है जी, पांच। नाम बोलते जाओ और लिखते जाओ। पहला कौन सा है बोलो? पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन सा आया? असम। तीसरा कौन सा आया? मेघालय। और चौथा कौन सा आया? त्रिपुरा। और पांचवा कौन सा आया बोलो? मिजोरम। मिजोरम कितने हो गए? पांच। डन। ठीक है, कितने स्टेट हो गए हमारे? पांच। अब देखो, सवाल हमेशा बनेगा और हमेशा विकल्प पे क्या रहेगा? बांग्लादेश के संग कितने भारतीय राज्य लगते हैं? पांच। बांग्लादेश के संग कौन सा भारतीय राज्य नहीं लगता है, सुन लेना पहले। असम, मेघालय, त्रिपुरा या अरुणाचल? कौन सा याद हो गया? या तो ऑप्शन में कह देगा अरुणाचल, या कह देगा सिक्किम। ये तभी क्लियर होगा जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको दो बार ब्लैंक मैप दे दिए दो क्लास में। मैंने कहा मैप को भरो, लाया भाई को मैप भर के लाया है। देखिए, मैंने बोला था ना क्लास में कोई एक ऐसा होगा जिसको देख के तुम सभी उत्साहित होंगे। ये देखो, इन्होंने मैप बनाया, ठीक है। ये मैप इन्होंने रंग भरा, टाइम वेस्ट किया, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, उन्होंने रंग भरते भरते भी देख लिया कि मध्य प्रदेश यूपी से लग रहा है कि नहीं लग रहा, कौन सा किससे लग रहा है। तो कलर भरिए चाहे नाम लिखिए, सब ने कर रहे हैं काम, ठीक है। मैप सबको दे रखे, जिसको नहीं मिला वो मैप ले जाए, नहीं भी है तो मैप दे के बनाइए हाथ से, और बढ़िया रहेगा, ठीक है। नंबर दो कौन आएगा? चाइना। आइए चेक करते हैं। देखिए इधर, चीन से कौन कौन से स्टेट लगेंगे? पहले था जम्मू कश्मीर,
2019 में जम्मू कश्मीर किसमें हो चुका है? जम्मू और लद्दाख में। किसमें? पहली बात तो कंफ्यूजन दूर कीजिए आप लोग, लद्दाख यूटी है कि लेह यूटी है? जिसके आगे गोला बना है वो राजधानी होता है, छोटे में लिखा है। जो स्टेट होता है उसका नाम बड़े में लिखा है। बड़े में कौन लिखा है? तो लद्दाख क्या हो गई? यूटी। तो पहले था जम्मू कश्मीर, अब दो यूटी हो गई, जम्मू और कश्मीर यूटी, और दूसरी कौन सी? लद्दाख। ओके, पहले चीन से कौन लगता था? जम्मू कश्मीर। जम्मू, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं। अब बताइए कौन लग रहा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख हो गया। लद्दाख नंबर वन। नंबर दो कौन? हिमाचल। नंबर तीन उत्तराखंड। नंबर चार सिक्किम। और नंबर पांच कौन हो गया? अरुणाचल। पांच हो गया हमारे पास। इन पांचों के नाम लिख देते हैं हम लोग। नंबर वन क्या आ जाएगा? लद्दाख यूटी में। नंबर दो क्या रहेगा? हिमाचल। नंबर तीन उत्तराखंड, आप लोग नाम पूरे पूरे लिखेंगे। और नंबर नेक्स्ट आएगा क्या? सिक्किम। और नंबर नेक्स्ट आ जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो बांग्ला से भी पांच थे, चीन से भी पांच लगते हैं, दोनों जगह पांच 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 स्टेट लगते हैं। डन। क्लियर हो गया सभी को? ओके, तीसरा पड़ोसी कौन है हमारा? छोटा भाई है। चलिए पहले चेक कर बताइए कि पाकिस्तान से जम्मू और लद्दाख दोनों लग रहे हैं कि खाली जम्मू लग रहा है? देख पा रहे हैं? दोनों लग रहे हैं, जम्मू भी लग रहा है और लद्दाख भी लग रहा है। दो हो गए। नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच। और हमेशा विकल्प में पता क्या आएगा? कौन नहीं लगता? हमेशा विकल्प में कौन होगा? हरियाणा। थोड़ा दूर रुक गया, देखो वो पांच हो गए पाकिस्तान से भी। नंबर वन लिख देंगे लद्दाख, नंबर दो लिख देंगे जे एंड के, नंबर तीन पीबी पंजाब, नंबर चार राजस्थान आरजे, और नंबर नेक्स्ट लग जाएगा गुजरात। जी जी, सबसे लंबा बॉर्डर किसका मानेंगे आप? पाकिस्तान से सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा लग रहा है? राजस्थान। राजस्थान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? LOC के रेड क्लिफ। कंफ्यूजन है, दूर करेंगे, चिंता ना करो। अगला पड़ोसी कौन सा हो गया हमारा? नेपाल। ठीक है, नेपाल से चेक करते हैं। नंबर वन, नंबर दो यूपी, नंबर तीन, नंबर चार वेस्ट बंगाल है क्या? जरा सा पक्का। और नंबर पांच कौन? इनके साथ भी पांच ही लगते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ऐसे कितने देश हैं जिनके साथ भारत के पांच राज्य स्पर्श करते हैं? सामने आ गए कितने? चार। बांग्लादेश के संग पांच, चीन के संग पांच, पाकिस्तान के संग पांच, और नेपाल के संग भी कितने हो गए? पांच हो गया। म्यांमार से लगते हैं चार, काउंट करते हैं। ये रहा म्यांमार। नंबर वन अरुणाचल, यस और नो। नंबर दो नागालैंड, नंबर तीन मणिपुर, और नंबर चार मिजोरम। कितने हो गए? चार। अरुणाचल, उसके बाद बोलो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बोलो, क्योंकि ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। सवाल वो ये भी पूछ सकता है कि म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्यों का क्रम लगाइए उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ में पहले कौन आएगा? अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद कौन? मिजोरम। म्यांमार से लगने कितने हो गए बोलो? चार। ओके, बताओ जरा भूटान से, अब तो खुद समझदार बन जाओ फटाफट से। तीन के चार, चार। पक्का। सिक्किम, यस और नो। वेस्ट बंगाल, असम एंड कौन? अरुणाचल। तो चार हो गए भूटान के साथ भी। पहला आएगा सिक्किम,
दूसरा कौन सा का बोलो? वेस्ट बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। लास्ट बचा कौन? अफगानिस्तान। जरा मैप सामने लगा आप लोग देख के बता दो, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर लगता है कि लद्दाख लगता है? कौन लगता है? पक्का ओनली लद्दाख लगता है। आज की क्लास तो चल रही है इसमें, आपको देख के क्लास ज्योग्राफी पढ़नी है तो सभी ऑक्सफोर्ड का, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लें, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस मैप आएगा, लगभग 100-150 रुपए के आसपास होगा, ठीक है? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ये मैप सभी को लाना है, इसके बगैर ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाएंगे। तो भारत के संग कितने देश लगते हैं? 7। और हमारे किस किस राज्य ने कौन कौन सी सीमा बनाई हमने देख लिया, आइए एक बार रिकॉल करते हैं। बताइए बांग्लादेश के संग कितने हैं? 5। नाम दिख रहा है। चीन के संग कितने हैं? 5। नाम क्लियर है। पाकिस्तान से? 5। नाम क्लियर है। नेपाल से? 5। उसके बाद म्यांमार से? 4। भूटान से? 4। अफगानिस्तान से? 1। डन, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले सटीक उत्तर देगा। भारत के ऐसे कितने राज्य अथवा यूटी हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने स्टेट या यूटी हैं जो 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, और कौन कौन है? चलो हेल्प कर देता हूं, लद्दाख है या सर नो? लद्दाख लगता है कि पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, हो गया 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है लद्दाख के, नहीं? लद्दाख के बाद दूसरा आता है सिक्किम, वो भारत का ताज नंबर 1 है या भारत का ताज नंबर 2 है? नेपाल, भूटान और चाइना, लग गया कितने हो गए? 2। बस कोई और भी है? अरुणाचल, अरुणाचल, भूटान, चाइना और म्यांमार, तीनों से लग रहा ना, 3 हो गए। वेस्ट बंगाल भी है, चलिए चेक कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से यस और नो? भूटान से और नेपाल से, ये छोड़ देते हैं सभी के सभी। तीन देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट्स, नंबर 1 आता है लद्दाख, नंबर 2 आता है सिक्किम, नंबर 3 आता है अरुणाचल, नंबर 4 आता है कौन? पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड 2 के साथ के 3 के साथ, कौन कौन? चाइना और नेपाल। हो गया सवाल तैयार? अरे अभी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल उत्तर देंगे, मैप आपके सामने लगा देख के। पहले मुझे बताइए कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि 7 बहनें और नॉर्थ ईस्ट दोनों में क्या अंतर है। 7 बहनों में सिक्किम नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा? ये 7 के साथ आएंगे, ओके? और नॉर्थ ईस्ट में कौन आएगा? सिक्किम आ जाएगा, 7 बहनों के संग सिक्किम मिल जाएगा बस। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम शामिल है, 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं है, 7 बहनें सिक्किम को छोड़कर सारे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में 8 होगा ना, 7 बहनें और सिक्किम, वो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है? जल्दी चेक करो,
असम नहीं बना रहा क्या? भूटान और बांग्लादेश लग रहा है। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, कोई भी नहीं था इसमें। एग्जामिनेशन हॉल में इतना बैठ रहे का सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इतना वो ही करना पड़ेगा। डन। एक और सवाल, ये तो था नॉर्थ ईस्ट और ये है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। कोई नॉर्थ इंडिया में ऐसा स्टेट है, ऐसा स्टेट जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है? आ जाओ उत्तर, हरियाणा उत्तर भारत का एकमात्र राज्य है, का एकमात्र राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। वैसे तो यूटी में पांडी, यूटी में चंडीगढ़ और दिल्ली भी आएंगे, लेकिन मैं बात किसी कर रहा हूं स्टेट की, स्टेट की बात करूं तो स्टेट में एकमात्र हरियाणा है जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है। उत्तराखंड में दो बार रिपीट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और यूटी कितनी है? गिन लो फटाफट, गिन लो। इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाले भारतीय राज्य अथवा यूटी कितने हैं? ले लो इसका सहारा, इसके पास मैप है, मैप खोल के देख सकता है, इसके पास मैप नहीं तो उसमें देखिए। कितने हैं? कुछ फाइनल कंक्लूजन पता नहीं पता, 10 है, 12 है, 13 है, है? 14, 18, 16, 17 नहीं आया किसी का? 18, काउंट कर लेते हैं, गिन देना। 1, 2, पंजाब 3, जम्मू 4, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम 8, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम 18। ये सवाल इसलिए आया था क्योंकि पहले थे 17 और जम्मू टूट गया आपस में, जम्मू और लद्दाख में, तो कितने हो गए? 18। ओके। हो जाएगा। आइए, ये तो थी अभी तक मेरी फ्रेमिंग, अब चलेगा चैप्टर हमारा कम से कम 3 से 4 दिन यही इंटरनेशनल बॉर्डर का। इंटरनेशनल बॉर्डर पढ़ेंगे, डिस्प्यूट पढ़ेंगे, करंट अफेयर के सवाल भी इसमें आएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए नए पेज से, इंडो पाक, भारत पाकिस्तान। इंडो पाक
जरा आप लोग पहले फटाफट से बता दीजिए कि भारत और पाकिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। है? लद्दाख, J&K, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ओके, आइए डिस्कस करते हैं लाइंस के ऊपर। समझना ज्यादा, लिखना कम है। 13 अगस्त की आधी रात, यानी कि 14 अगस्त की शुरुआत पाकिस्तान आजाद होता है, और 14 अगस्त की आधी रात, यानी 15 अगस्त की शुरुआत भारत देश आजाद होता है। इनमें यह बोला गया था कि देशी रियासतें चाहें तो आइदर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट, मतलब देशी रियासतें चाहें या तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ या अलग भी रह सकती हैं। जम्मू कश्मीर ने फैसला किया कि हम अलग रहेंगे। राजा था हरि सिंह और PM था महेंद्र महाजन। बोला हम अलग रहेंगे, इसमें हम ना जुड़ेंगे ना भारत से ना किसी पाकिस्तान से, हम अपने आप में बहुत समर्थ है। 17 अगस्त 1947 को मिस्टर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और दोनों देशों के बीच एक रेखा आती है जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? कहानी समझे? अब मेरा सवाल आप लोगों से, एक रेडक्लिफ रेखा अगस्त 1947 में खींची जाती है, जम्मू कश्मीर भारत में अक्टूबर 1947 में आके मिलता है, तो जब अगस्त 1947 में रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी तो रेडक्लिफ रेखा आपके अनुसार किस राज्य में, किस स्टेट में नहीं होगी? कहां नहीं होगी? क्यों नहीं होगी जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा नहीं था जब रेखा खींची गई है। तो रेडक्लिफ रेखा किसके बीच होने वाली है? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये लिखा भी हुआ साफ साफ, रेडक्लिफ लाइन। मैं इसको डार्क से खींच देता हूं, ये रेखा रेडक्लिफ रेखा, ये वाली। मैं इसको कहां नहीं लगी रहा हूं, बताओ जल्दी। ये पंजाब आ गया, ये आ गया जम्मू कश्मीर, यहां तक। कहां नहीं लेके जाना इसको? जम्मू कश्मीर नहीं लेके जाना है, ठीक है जी। तो लाइन नंबर 1 हम दोनों के बीच कौन सी हो जाती है? सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में लाइन थी, जिसका नाम होगा रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन, ठीक है जी। किसके बीच बोलो? गुजरात, राजस्थान और कौन सा है? पंजाब। आजादी के समय, लाइन नंबर 1। ओके, अभी हाल ही में पेपर हुआ था आपका कोई वनडे का, उसमें सवाल पूछा था कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान विकल्प में था ही नहीं, ये भी तो पाकिस्तान था पहले, इसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो ऑप्शन में भारत पाकिस्तान नहीं है, तो क्या चलेगा? भारत और बांग्लादेश, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पहले का पाकिस्तान था, 1971 में ये बांग्लादेश बनेगा, ठीक है। तो सवाल पूछे रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो भारत और पूर्व पाकिस्तान, और पूर्व पाकिस्तान कौन था? बांग्ला। ओके, देखो इधर, ये हिस्सा बचा, ये दिस वन, इतना सा हिस्सा, इसको नाम दिया गया है। अब होना क्या था, देखो ये लाइन जा रही है, ये क्या है? 20 डिग्री। ये क्या होगा? अक्षांश का देशांतर, अक्षांश। ये क्या होगा? अक्षांश होगा ना, 20 के बाद। अब देखते ना ऊपर क्या है, 21 के बाद 22, फिर यहां इस क्षेत्र में गुजरात और सिंध, पाकिस्तान का सिंध, हमारा गुजरात, डिसाइड हुआ था कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे बंटवारा होगा। कितने डिग्री पर? 24 डिग्री आजादी के समय। तो दोनों के बीच लाइन नंबर 2 कौन सी होगी? बोलो, 24 डिग्री, क्या बोलूं? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। आजादी के समय दोनों के बीच लाइन कौन सी आ गई? बोलो, एक तो रेडक्लिफ और दूसरी कौन सी आ गई? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, यहां तक क्लियर है?
आजादी के बाद मुद्दे दोनों देशों के बीच क्या थे, बड़े मुद्दे कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का कारण क्या था, जम्मू कश्मीर, यस और नो? बिल्कुल, अगस्त में लाइन आती है, अक्टूबर में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह दिल्ली आया, दिल्ली में नेहरू से मिला, नेहरू ने बोला कि मिलने से पहले वहां पेपर रखा उस पर साइन कर दो, बोला पेपर क्या है, बोला उस पेपर में क्लियर लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न भाग होगा, हरि सिंह ने साइन कर दिए, पाकिस्तानी फौज जम्मू कश्मीर घुस चुकी थी, भारतीय फौजें उनको काफी हद तक पीछे खदेड़ने में कामयाब रही लेकिन पूर्णतः खदेड़ नहीं पाई, तो दोनों के बीच विवाद क्या हो चुका था, एक जम्मू कश्मीर का, जम्मू में जम्मू का मामला कोई नहीं है, सारा मामला किसका था, कश्मीर का ही, ओके? जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का ढिंडोरा पीट रहा था तब भारत यहां पहुंचा, भारत ने देखा कि यहां पर बंटवारा कितने लाइन पर है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मैंने क्या बताया था कि अक्षांश और देशांतर वास्तविक रेखाएं हैं कि काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनेशन लाइन है तो कोई भी खींच दे, भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कश्मीर का मुद्दा लगाए हुए है रट, और भारत ने क्या किया, भारत ने बड़ी चलाकी से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपने नक्शे में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, क्यों, क्योंकि अगर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश हम बिल्कुल सही निकालते तो यहां पे एक जगह पड़ती है सर क्रीक, कौन सी जगह पड़ती है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि सर क्रीक किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान, सर क्रीक पाकिस्तान के पास जाता, और सर क्रीक क्या है, सर क्रीक एक दलदली क्षेत्र है, यह एक दलदली क्षेत्र है, टाइडल रीजन है, इस दलदली क्षेत्र में भविष्य में गैस पेट्रोलियम आदि मिलने की अपार संभावना है, तो तुम रट्टा लगाओ जम्मू कश्मीर का, हमने लाइन को ऊपर उठा दिया हल्का सा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने ऊपर उठा दिया, सरकरी किसके पास आ गया, भारत के पास, पाकिस्तान को बहुत लेट पता चला, जब लेट पता चला तब तक हम उस पर कब्जा करके झंडा लगा चुके थे, फिलहाल आज भी विवाद चल रहा है किसका, सरकरी का, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान, कहां पर है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, इज इट क्लियर, दलदली क्षेत्र है, इन फ्यूचर में यहां से गैसेस पेट्रोलियम मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, हो जाएगा, इसको वान गंगा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वान गंगा, 96 किलोमीटर लॉन्ग है ये सर क्रीक, इतना डेप्थ सवाल तो आपसे कभी पूछेगा नहीं, हाँ ये सवाल पक्का पूछ लेगा कि सर क्रीक डिस्प्यूट किसके बीच है, तो क्या बोलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच है, कौन सी लाइन पर है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ओके, रेडक्लिफ रेखा पर दोनों देशों के बीच 0 पॉइंट बॉर्डर आता है, 0 पॉइंट बॉर्डर जो गुजरात से कहां जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, बॉर्डर नंबर 1, बॉर्डर नंबर 2 राजस्थान से यहां पर बाड़मेर बॉर्डर आता है, कौन सा बॉर्डर, बाड़मेर बॉर्डर, तो दोनों के बॉर्डर भी ध्यान रखें हम लोग को, 0 पॉइंट बॉर्डर भारत और पाकिस्तान, लेकिन 0 रेखा भारत और बांग्ला के बीच, कंफ्यूजन ही होना चाहिए, 0 पॉइंट बॉर्डर किसके बीच, भारत और पाकिस्तान, और 0 रेखा भारत बांग्लादेश और त्रिपुरा, त्रिपुरा किसके साथ, भारत का, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, 0 रेखा, और 0 पॉइंट बॉर्डर किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान, ओके? दोनों देश अलग हुए लेकिन व्यापार के लिए कुछ तो खोलना था, है जी, तीन बॉर्डर और हैं पंजाब में, नंबर 1 पर है फिरोजपुर बॉर्डर, नाम सुना है, नहीं ये फजालिका होगा, सॉरी ये पहले फजालिका आएगा, फजालिका बॉर्डर,
नंबर दो फिरोजपुर बॉर्डर, नंबर तीन अमृतसर में कौन सा बॉर्डर है भाई, वाघा बॉर्डर। ओके, सबसे बड़ी परेड कहां पर होती है, वाघा बॉर्डर। ऐसा नहीं कि यहां नहीं होती, फिरोजपुर फजालिका यहां परेड भी होती है या छोटे स्तर पे होती है, बड़ी परेड कहां पर होती है, वाघा बॉर्डर में। ओके, वाघा बॉर्डर। तो कुल बॉर्डर कितने हमारे बीच, पांच। जीरो पॉइंट बॉर्डर गुजरात से जाएगा, बाड़मेर कहां से जाएगा, राजस्थान से। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल कौन सी चलती है, रेल थार क्या है, मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान दोनों में तो थार एक्सप्रेस चलती है, जो थार एक्सप्रेस रेल है वो चलती है किसके बीच, बाड़मेर बॉर्डर से, बाड़मेर बॉर्डर से पाकिस्तान के बीच। ओके, फिर पंजाब में तीन है, फजालिका फिरोजपुर और वाघा बॉर्डर। ओके, और जम्मू कश्मीर में नो, कोई भी नहीं होगा क्योंकि वहां की लाइन ही नहीं, अभी लाइन बाद में आएगी और विवादित लाइन है वो पूर्णता। तो भारत पाकिस्तान के बीच पांच बॉर्डर हैं, तो पांचों के पांचों किस पे आएंगे, आपके रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन के ऊपर आएंगे। ओके, कर लेंगे। छब्बीस अक्टूबर 1947 की बात है, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू विलय पत्र में साइन कर देते हैं 1947। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 27 अक्टूबर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन उसको रेटिफाई कर देते हैं, गवर्नर जनरल जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति का पद है कि रेटिफाई करते ही भारतीय फौजें निकल पड़ती हैं जम्मू कश्मीर की ओर, क्योंकि भारतीय फौजों को नया हिस्सा मिल चुका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए पाकिस्तानी कबाइलियों से। फौजें आगे बढ़ी, फौजें पाकिस्तान के श्रीनगर तक आ गई थी, भारतीय फौजें पहुंची, अनेक पाकिस्तानी फौजी मारे गए और भारतीय फौजें अब बढ़ रही किसकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ, यानी कि पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से खदेड़ने के लिए। जैसी फौजें आगे बढ़ी तो पंगा पड़ गया यहां पर आके, ये देखिए ये जो क्षेत्र है वाला, इसे बोलते हैं हिमालय, क्या बोलते हैं, और इससे ऊपर क्षेत्रों से बोलते हैं ट्रांस हिमालय, क्या बोलते हैं। और मैं आज एक बात बोल रहा हूं, उसको नोट कर लो, मैं प्रूफ करूंगा आगे चलकर, ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है, ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है। अब आप बोलेंगे क्या बात होगी, ट्रांस हिमालय बोल रहे, बोले हिमालय नहीं है। जी हाँ, नाम है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से बहुत पहले हो चुकी थी। अब भारतीय फौजें हिमालय से चढ़ रही है किसकी तरफ, ट्रांस, और ट्रांस हिमालय ऊपर यूरेशियाई प्लेट और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टकराने से बना है, तो ट्रांस हिमालय प्लेन ऊपर से है और नीचे की तरफ क्या है, ढाल, और ढाल ऐसी नहीं, बिल्कुल शार्प स्लोप, बहुत ही गहन ढाल है, गहरी ढाल है नीचे की तरफ। अब जब नीचे तक गहरी ढाल है तो भारतीय फौजें कहां से जा रही थी, नीचे से, और पाकिस्तानी फौजें कहां बैठी थी, ऊपर। तो भारतीय फौजों को आसानी से मार दे रही थी वो, भारतीय फौजें पीछे होने पे मजबूर हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला पंडित नेहरू को, अपना इतना नुकसान क्यों करवा रहे हो आप इस मुद्दे को यूएनओ ले जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाओ, और यूएनओ नया नया बना था तब, और यूएनओ की चलती बहुत थी। पंडित नेहरू इस मुद्दे को लेकर यूएनओ कि जम्मू कश्मीर हमारा साइन हो चुके हैं, पाकिस्तान वहां से हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोला ना जी कश्मीरियों से पूछ लो हमारे साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 31 दिसंबर 1947 को बोला सीज फायर, सीज फायर का मतलब कोई गोली नहीं चलाएगा, अगर भारत पाकिस्तान में से किसी ने गोली चलाई तो कार्रवाई अब यूएनओ करेगा, जम्मू कश्मीर पर क्या होगा ये यूएनओ डिसाइड करेगा। ओके, यूएनओ ने बोला कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जनता की राय जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं,
और जनता की राय क्या होती है? जनमत। क्या होता है? जनमत। रिफरेंडम, जनमत कराएंगे। यूएनओ का पहला ऑर्डर, जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जनमत, लोग डिसाइड करेंगे, भारत या पाकिस्तान। और जनमत को श्रीनगर का प्रशासन कराएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? ना भारत ना पाकिस्तान, श्रीनगर प्रशासन कर पाएगा। और भारत का सांस सूख गया, एक तो जनमत होना है, अभी तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा कागजों में, एक तो जनमत होना है, ऊपर से श्रीनगर प्रशासन कराएगा। तो श्रीनगर प्रशासन, कश्मीर के बहुत सारे लोग एंटी इंडियन थे, ये कहीं गड़बड़ ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि जनमत में पूरा जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाए। पंडित नेहरू चुप, पंडित नेहरू की सरकार के मंत्री बोले तुम क्या करके आ गए, मामला यूएनओ ले गए, जितना था उतना रख लेते हैं। अब अगर जनमत तुम्हारे खिलाफ हो गया तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा और एक कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता होगी। यूएन ने बोला रुको, तो अभी पूरी बात तो सुनो, जनमत होगा हमने बोला, लेकिन जनमत तभी होगा अगर पाकिस्तान यहां से अपनी फौजें वापस बुलाएगा। ठीक है, अब पहले किसे कदम उठाना है? पाकिस्तान को, फौजें वापस बुलाए, उसके बाद क्या करेंगे? जनमत कराएंगे। अब पाकिस्तान की गले की हड्डी बन गई कि हम तो नेहरू और गांधी को बहुत पहले से जानते थे, जिन्ना बोले ये तो बहुत, दोनों बहुत चालाक हैं, ये कहीं इनकी नहीं चाल ना हो कि पाकिस्तानी फौजें पीछे हो, पूरे पे कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान बोला फौजें तो वापस नहीं जाएगी। यूएन ने बोला अगर फौजें वापस नहीं जाएगी तो जनमत भी नहीं होगा, और आज के बाद तुम मुद्दा लेके मत आना जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे जो भारत का भारत के पास रहने दो, जो तुम्हारे तुम्हारे पास रहने दो। कुल मिलाके ये हिस्सा किसके पास चला गया? पाकिस्तान। ये पूरा किसके पास आ गया? हमारे पास। ओके, 1965 में फिर युद्ध होता है हमारा। कारण क्या था? 1948 में पाकिस्तान हमसे हारा पहले युद्ध में, जम्मू कश्मीर वाले मामले में। 1962 में भारत चीन से हार गया था, भारत के हालात बुरे हो चुके थे। 1964 में 17 साल से पीएम रहे, पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तो देश की लीडरशिप जा चुकी थी, और देश की लीडरशिप में एक लाल बहादुर शास्त्री, उनका कद देखकर पाकिस्तान उनको समझ नहीं पाया, उनको लगा क्या निर्णय लेंगे, ये पंडित नेहरू जैसे तो ना होंगे, तो चलो करो तैयारी, 1965 का युद्ध करते हैं और 1948 की बेइज्जती का बदला लेते हैं। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय फौजों को बोला कि बॉर्डर ही क्यों, इनको लाहौर तक खदेड़ो इस बार, मैं देख लूंगा कोई बात नहीं। और पाकिस्तानी फौजी तो, भारतीय फौजी तो पहले गुस्से से भरी हुई थी, किससे हार कर? चीन से। और निकला किस पर? बुरे हाल कर दिए पाकिस्तान के, 3 दिन के अंदर अंदर ही पाकिस्तान भागा ऊपर रशिया के पास कि बचाओ बचाओ, भारत हमें ये कर देगा। रशिया ने भारत को बोला कि थम जाओ, बैठ के बात करते हैं। समझौता कहां पर होता? ताशकंद में। कहां पर हुआ था? ताशकंद। और वहीं ताशकंद में समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी, भारत के एकमात्र पीएम जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है, लाल बहादुर। मुद्दा जो भी रहा हो, कभी मौका मिलेगा तो उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल 1971 में फिर युद्ध छिड़ा हमारे बीच, और इस बार युद्ध पूर्वी पाकिस्तान को लेकर था। पाकिस्तान फिर हारा और पाकिस्तान के 1,00,000 फौजी हमने बंदी बना लिए। कितने? 1,00,000। पाकिस्तानी पीएम को मजबूरन भारत आना पड़ा और दोनों देश बैठे शिमला में, जिसको ऐतिहासिक शिमला समझौता 1972 बोलते हैं। शिमला समझौता में भारत पाकिस्तान ने मांग रखी कि हमारे फौजियों को छोड़ दो। भारत बोला दो शर्तें हैं, नंबर वन, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का दर्जा आप भी दो, आप भी पूरी दुनिया में मानिए कि पूरी पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं, अब क्या है? बांग्लादेश। पाकिस्तान बोला ओके, हम मानते हैं इस बात को। और दूसरा, आप यहां से बहुत गड़बड़ कर रहे हो, छेड़ाछाड़, इस हिस्से से यहां पर एक लाइन खींचेंगे हम, और लाइन का नाम क्या हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? LOC लाइन। तो क्या समझे? LOC लाइन कब आती है? 1972। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। कौन सी लाइन आ गई? LOC। फुल फॉर्म क्या होगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो बताइए जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है?
LOC, इससे पहले कोई नहीं थी, LOC 1972 शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत LOC आती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी रेखाएं हो गई, दो के तीन बोलो ना, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा रेडक्लिफ, और तीसरी कौन सी है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके डन, लाइन खींची खींची खींची, इधर देखो यहां पहुंचे ऊपर यहां, तो ये आता है सियाचिन ग्लेशियर। क्या हम सुने, माइनस टेम्परेचर, ना भारत आगे गया ना पाकिस्तान आगे गया, वहां पे एक सेक्टर बना दिया, एक पिलर गाड़ दिया, ठीक है नहीं, एनजी नाम से पिलर, और उस पिलर पे लिख दिया कि बस यहां तक हमारा बॉर्डर है। लेकिन पाकिस्तान करतूतों से बास तो आएगा नहीं, पाकिस्तान यहां से यू घूमकाने लग गया, ऊपर से दोस्त बना लिया किसको, चाइना को, और चाइना को यहां पर एक घाटी पड़ती है, सक्षमान घाटी। ये पूछा भी गया था कि सक्षमान घाटी किसने किसको दी, सक्षमान घाटी पाकिस्तान ने गिफ्ट की किसको, दोस्त बनने के लिए। तो सक्षमान घाटी से कौन आ रहा है, चाइना, और इधर से कौन आ रहा है, पाकिस्तान। भारत को पता चला ये फौजें यहां घुस रही हैं, भारत सरकार 1984 इमीडिएट सियाचिन पर ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन 1984 सियाचिन ऑपरेशन चलता है। और इसके बाद अब जो बात आई सियाचिन की, तो सियाचिन वाले पार्ट में भी एक नई लाइन आ चुकी है यहां पर, ये इसका नाम है लाइन का AGPL, 110 किलोमीटर है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा नंबर 4, आप तो आज तक एक रेडक्लिफ जानते थे, आज हमने 4 पढ़ ली, कौन कौन सी बोलो, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश नंबर 1, नंबर 2 रेडक्लिफ, सबसे लंबी रेडक्लिफ होगी, नंबर 3 LOC शिमला समझौता, और नंबर 4 AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इनमें से कौन सी सियाचिन ग्लेशियर पर है, AGPL। इनमें से कौन सी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, बोलो LOC। रेडक्लिफ किस किस में है, पंजाब राजस्थान गुजरात, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश सिर्फ और सिर्फ कहां पर, गुजरात। सरकारी विवाद किसके बीच है, पाकिस्तान और भारत, कौन सी रेखा पर है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, मेरे को लिखाना लिखाना नहीं आता, बोर्ड से साथ के साथ कॉपी कर सकते हैं, डायग्राम तो बढ़िया है, अगर लिखना है चाहिए तो आपके एडमिशन के साथ आपको मेरी भी ज्योग्राफी किताब मिल जाएगी, 122 पेज की किताब है पूरी इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है, ना भी लिखो उसमें सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सब कुछ है, चिंता ना करो। जरूरी पता क्या है, क्लास के बीच डायग्राम, बस डायग्राम बन जाए, पूरे भूगोल इसी में चलना है। हाँ जी, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए, 3 के 4, 3 तो बता दिए मैंने, 1947-48, 1965, 1971, और चौथा कारगिल था 1999। चारों चारों कौन जीता है, अरे ड्रॉ हुआ क्या, चारों चारों कौन जीता है, भारत। मतलब युद्ध समाप्त कैसे हुआ, UNO ने क्या बोला, सीज फायर। दूसरा कब हुआ, 1965।
और किसके माध्यम से समाप्त हुआ, कौन सा समझौता था वो? तीसरा 1971 समझौता कौन सा हुआ था बोलो? और चौथा 1900 कौन सा था? कारगिल युद्ध। और समाप्त किससे हुआ था? लाहौर। सही मिलान करो भारत के युद्धों के नाम और आगे समाप्ति। जी पाकिस्तान विश्व में प्रसिद्ध है किसी बात के लिए? आतंकवाद है। किसके लिए? सबसे पहला इसे नेहरू का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेहरू का देश। और नदियों का देश बांग्लादेश। ओके पूरे विश्व में सबसे बढ़िया सर्वाधिक काला नमक कहाँ मिलता है? पाकिस्तान। क्योंकि ब्लैक सॉल्ट चट्टानों से मिलता है, पूरे विश्व में पाकिस्तान में मिलता है, भारत में हिमाचल में मिलता है, हिमाचल में। ओके और पूरे विश्व में फेमस है ये इसके लिए, बासमती राइस के लिए। सबसे बढ़िया जो बासमती चावल है विश्व का वो कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद भारत की बात करेंगे तो बेस्ट बासमती किसका है? देहरादून का, जिसका नाम क्या है? सूर्यधार। यस देहरादून का और बासमती पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सूर्यधार है जी। और नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के लिए कौन सा लेके गए थे? हाँ हाँ अभी मध्य प्रदेश में एक वनडे का एग्जाम हुआ था, सवाल पूछ लिया कि हाल ही में पीएम मोदी का दौरा हुआ है तो पीएम मोदी जो है वो कौन सा चावल अमेरिका लेके गए थे? गढ़वाल का ही है वो, दाल चावल। कौन सी घाटी में होता है? कमल घाटी, टोला। देखिए भारत से पाकिस्तान नदी कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ओके इनमें से मात्र एक व्यास है जो भारत में ही खत्म हो जाती है, सत्रह से मिल जाती है, बाकी सारी नदियां कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान। और जाती कहाँ से? भारत से है जी। भारत से जाएंगी कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान। देश आजाद होते ही किसने बोला था डैम या बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं? पंडित जवाहरलाल, उन्होंने बोला ये डैम ही बनाओ, डैम ही देश को बचाएंगे। और तमाम डैम बने, इन नदियों के ऊपर डैम बने, इन नदियों के ऊपर डैम बना के भारत ने पानी रोका किसका? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या पड़ गया? सूखा। पानी कहां से जाएगा? सारा पानी तो हमारे पास ही है, हमने पानी को रोक लिया, डैम बना के रोक लिया। गर्मी सूखा के बाद क्या आता है? मानसून। और मानसून में क्या होती है? बारिश। तो पाकिस्तान में बारिश हो रही थी, भारत में बारिश हो रही थी, पाकिस्तान में बारिश से पहले नदियां उफान पे थी, ऊपर से भारत ने पानी छोड़ दिया, ले भाई है नहीं?
गर्मी की फसल बर्बाद हुई पाकिस्तान की सूखे की वजह से, अब बरसात की फसल बर्बाद हुई बाढ़ की वजह से। पाकिस्तान रोता रहा चिल्लाता रहा पूरे विश्व में कि बचाओ बचाओ, भारत ऐसा कर रहा है। लास्ट में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हमारे बीच पड़ता है और दोनों देशों के बीच समझौता होता है, इसका नाम है सिंधु नदी समझौता, इंडस रिवर एग्रीमेंट। सितंबर 1960 सिंधु नदी समझौता। हाँ जी, बहुत पूछा गया किसकी मध्यस्थता से, किसके कहने पर किया हमने, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी समझौता होता है। और रूस की मध्यस्थता से कौन सा हुआ था, जहां शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, ताशकंद। ओके, ध्यान रखिए, सवाल पूछ सकता है कौन सा समझौता भारत ने रूस की मध्यस्थता से किया या कौन सा समझौता भारत ने विश्व बैंक की मध्यस्थता से किया। ठीक है, 1960। अब यह समझौता बोलता क्या है, ऊपर की तीन नदियां नाम पढ़ो, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन हैं। इनका 80% जल पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। ओके, नीचे की तीन नदियां नाम बोलो, रावी, व्यास और कौन सी, सतलज। इनका 80% इंडिया यूज करेगा और पाकिस्तान को देगा 20%। यही सिंधु नदी समझौता है। ओके, ऊपर के तीन सिंधु झेलम चिनाब का 80% पाकिस्तान, 20% भारत। नीचे की तीन नदियां रावी व्यास सतलज का 80% भारत, रिमेनिंग पाकिस्तान। ओके, ये सवाल पूछा जाता है सिंधु नदी समझौते को लेके। एक समझौता और हुआ था लास्ट, चाहिए नेहरू और फिरोज शाह नून था, तो नाम है नेहरू नून समझौता, 1960 के आसपास की बात है, नेहरू नून समझौता। अब ये क्या था, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। जब बंटवारा हुआ था ना, बंटवारा, तो कौन सी रेखा आई थी मेनली, 7,500 किलोमीटर खींची गई थी रेडक्लिफ रेखा, 3,750 उधर और 4,000 से ऊपर इधर रेडक्लिफ रेखा। और रेखा खींचने के लिए कोई वहां जाता नहीं है कि रस्सी ली, इंजीनियर भी खींच दिया, ये तो एक ऑफिस में बढ़िया एसी में चाय के संग बैठ के खींची जाती रेखा, है ना, आइडिया से, इतने क्षण से, इस नदी से, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है कौन कौन सी नदी, झेलम, रावी, सतलज, इधर का हिस्सा भारत, इधर के हिस्से कर दिया पाकिस्तान, तो नदियों ने बॉर्डर बनाया, नहीं बनाया, वैसे यहां बॉर्डर बना। और जब बॉर्डर बना तो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि यहां पर एक जगह पड़ती थी बेरुवारी, कौन सा, बेरुवारी गांव था एक, और मुस्लिम बहुल गांव था। बेरुवारी का 70% गांव पाकिस्तान में, 30% भारत में, 70% पाकिस्तानी, 30% कौन बन गए, भारतीय। 70% का टाइम पाकिस्तान के अनुसार और 30% का टाइम भारत के अनुसार, है जी। वहां के लोगों ने मांग की हमें पाकिस्तान जाना है, फिरोज शाह नून पंडित नेहरू से मिले, दोनों को भी समझौता हुआ नेहरू नून समझौता, और हमने 1960 में बेरुवारी का 9 वर्ग मील क्षेत्र किसको दिया, पाक को दिया। तो क्या भारत ने अपना कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिया है, यस, कौन सा दिया है,
बेरुवारी अपनी इच्छा से दिया है। पंडित नेहरू ने बोला कि जनता की अगर यही मानना है तो जनता के पक्ष में हम जाके आपको बेरुवारी पूरा दे देते हैं। ओके, कल आगे बढ़ाऊंगा। सर अफगानिस्तान चीन बॉर्डर पड़ेंगे और डिस्प्यूट।